गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ दाल मखनी बनाने की निंजा टेक्निक। तो आइए देख लेते हैं कि हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हमें चाहिए काली दाल, जिसे कहते हैं काली उड़द। इसके अलावा हमें घी चाहिए, हमें चाहिए होगा मक्खन। आप घर पर बना मक्खन यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से लाया हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घर पर बने मक्खन की बात ही कुछ और होती है। हमें चाहिए जीरा, राई, हींग। मसालों में हमें हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैंने टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और बारीक कटी धनिया पत्ती। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले काली दाल को मैंने रात को ही भिगो के रख लिया था। आपने इसमें पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख देना है और सुबह ये रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो यदि आपको इंस्टेंट बनाना हो तो इसे गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए, 2 घंटे में ये सेट हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने इसे भिगो कर रात को रख दिया था और मैंने इसको वॉश करके अच्छे से प्रेशर कुकर में डाल दिया है। कम से कम 6 से 7 विसल आने तक मैं इसे बॉईल करूंगी। दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। हम एक मथनी से इसे मथ लेते हैं या फिर पोटैटो मैशर से भी आप इसे मथ सकते हैं। तो मथनी से हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन के अंदर घी ले लेते हैं। हमें बहुत सारा घी लेना है क्योंकि दाल मखनी की क्वालिटी यही है कि ये बहुत सारे घी में बनती है। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई के दाने और जीरा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग और अब हम 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और अब हम पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने टमाटर, मिर्ची और अदरक का बनाया था और करछी से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस पेस्ट को अच्छे से पकाना है। पेस्ट अब पक चुका है। हम सभी मसालों को इसमें मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि इस स्टेज पे ही अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाला। सभी मसालों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए इन्हें ऐसे रख दिया ताकि अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हमारी काली दाल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ही शानदार लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं बट ये ऐसी ही थिक कंसिस्टेंसी की अच्छी लगती है। अब हम इसमें मक्खन को ऐड कर लेंगे जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा टेस्टी, लाजवाब और यम्मी बनाने वाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। दाल में अच्छा उबाल आने के बाद में आपको बर्नर को ऑफ कर देना है। दाल में अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारी दाल मखनी एकदम तैयार है। हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा मक्खन और डालेंगे और धनिया पत्ती को इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब बनी है। आप अपने घर पे रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।